नमस्कार, स्वागत है आपका। यह है बीबीसी दुनिया और मैं हूं नेहा भटनागर। 2 सालों में 8,000 लोगों ने यूरोप दाखिल होने की कोशिश में गंवाई जान। इटली, ग्रीस और तुर्की में 1,700 अज्ञात लोग दफन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को अमेरिकी अफगान सेना ने अफगानिस्तान में कराया रिहा। 3 साल पहले हुआ था अपहरण। जंगलों की आग में फंसे कनाडा के शहर में आखिर बुझी आग। 90% से ज्यादा इमारतें सुरक्षित। दुनिया के करीब 20% पौधे हो सकते हैं लुप्त। जलवायु परिवर्तन, घटते जंगल और बीमारियों के अलावा आक्रामक पौधों से है खतरा। और आखिर में जांजिबार के एक टापू का हाल, जहां ना सड़कें हैं ना गाड़ियां। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। तुर्की, ग्रीस और इटली के 70 जगहों पर 1,700 अज्ञात लोग दफन हैं। ये वो लोग हैं जिनकी यूरोप में दाखिल होने की कोशिश के दौरान समुद्र में डूबने से मौत हो गई। बीते 2 सालों में 8,000 लोग यूरोप में प्रवेश करने की कोशिश में मारे गए हैं। इन्हीं में से कुछ की लाशें ग्रीस, इटली और तुर्की के तट पर तैरती हुई पहुंची। बीबीसी की खास रिपोर्ट। आप्रवासियों से लदी नावें पिछले साल से ही ग्रीस के लेस्बोस जैसे टापुओं पर पहुंचना शुरू हो गई थी। इस खतरनाक सफर में सभी खुशकिस्मत नहीं होते। इस यात्रा के दौरान भी 2 लोगों की जान गई, लेकिन दोनों मृतक तकदीर वाले थे क्योंकि उन्हें कम से कम कोई पहचानता तो है। बीते 2 सालों में यूरोप पहुंचने की कोशिश में 8,000 लोग मारे गए हैं। औसतन हर दिन एक व्यक्ति किसी न किसी अनजान कब्र में दफन किया गया है। ये कब्रें तुर्की, ग्रीस और इटली में हैं। बीबीसी को ऐसी 70 कब्रगाहों का पता चला है। यहाँ लेस्बोस में कई अनजान लोगों को दफनाया गया है। अधिकतर के शवों को लहरें तट तक लाई हैं। अफगानिस्तान से आए फारूक के भाई और भाभी की लाश तो मिली, लेकिन उनके 4 बच्चे अब तक लापता हैं। मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि वो जिंदा हैं या नहीं। अगर हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मर गए तो अल्लाह करे वो कहीं दफन हो। हमने 6 रिश्तेदार खोए हैं, हमारी तो जिंदगी ही तबाह हो गई है। आप्रवासियों के सैलाब ने यहाँ अधिकारियों का काम बढ़ा दिया है। इन कंटेनरों में शव हैं, लेकिन यहाँ पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की कमी है। कई बार मुझे गुमशुदा लोगों के रिश्तेदारों का फोन आता है। कुछ लोग हॉस्पिटल आकर तस्वीरें चेक करते हैं, कुछ DNA सैंपल भी भेजते हैं। इटली, ग्रीस और तुर्की में मृतकों की शिनाख्त अधिकारियों का रोजमर्रा का काम बन चुका है। उधर गुमशुदा लोगों के रिश्तेदारों को भी किसी आखिरी जवाब का इंतजार है। और अब डिजिटल दुनिया की हलचल। जर्मनी में म्यूनिख के पास एक स्टेशन पर आज सुबह एक शख्स ने चाकू से वार कर एक व्यक्ति को मार डाला। 3 अन्य लोग भी घायल हो गए। पुलिस हमलावर के तार चरमपंथ से जुड़े होने की जांच कर रही है, लेकिन कुछ चश्मदीदों ने कहा है कि उसने अल्लाह अकबर कहते हुए हमला किया था। लंदन के नए मेयर सादिक खान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि सादिक खान को अमेरिका में मुसलमानों के आने पर प्रतिबंध से छूट मिलेगी। खान ने कहा, यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये मेरे दोस्तों के बारे में है, मेरे परिवार के बारे में है और उन सब के बारे में जो मेरी जैसी ही पृष्ठभूमि से आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस महीने हिरोशिमा जाएंगे। पद पर रहते हुए हिरोशिमा जाने वाले ओबामा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले जिमी कार्टर ने हिरोशिमा का दौरा किया तो था, लेकिन वो राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वहां गए थे। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिसमें लगभग 14 लाख लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के अगवा बेटे अली हैदर गिलानी को अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन के बाद रिहा करवा लिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए बयान में कहा गया कि इसकी पुष्टि अफगान राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी की है। इसी बारे में बीबीसी उर्दू सेवा से बात की मेरी सहयोगी शिवानी कोहक ने। अली हैदर गिलानी की रिहाई के बारे में बात करते हैं बीबीसी उर्दू संवाददाता सकलेन इमाम से। ये बताएं कि उनकी रिहाई की चर्चा पहले से चल रही थी या ये खबर बिल्कुल अचानक आई है? शिवानी, बिल्कुल अचानक खबर आई है, इससे पहले किसी को पता नहीं था। और ये खबर जो है अली हैदर गिलानी के जो बाप हैं यूसुफ रजा गिलानी, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, उनको अफगानिस्तान के सफ़ीर ने फ़ोन करके बताई कि आपका बेटा गजनी से बरामद कर लिया गया है एक ऑपरेशन के ज़रिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को रिहा करने में इतना वक्त क्यों लगा?
देखिए इस किस्म की जितने भी वाकयात हो उनमें पता नहीं चलता किसने अगवा किया है, कहाँ ले गए हैं, किससे रابطہ किया, जो उनकी तरफ से रابطہ होता नहीं होता। इससे पहले पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के बेटे को अगवा किया गया था, वो भी 4.5 साल बाद बरामद हुए हैं अभी कुछ अर्सा पहले ही। फिर एक अमेरिकन NGO के आदमी थे उनको अगवा किया गया था, वो वहीं अफगानिस्तान ही में तालिबान के पास ही उनका डेथ हो गई। और अब इनको जो अगवा किया गया था तो अमेरिकन फ़ौजों ने और अफगान फ़ौजों ने एक रेड करके गजनी से बरामद किया है। कनाडा के अल्बर्टा राज्य में पिछले दिनों जंगलों में लगी आग ने फोर्ट मैकमरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। यहां के 88,000 निवासियों को भागना पड़ा। वहां के गवर्नर ने कहा है कि एक चमत्कार से कम नहीं कि भयानक आग के बाद भी किसी की जान नहीं गई। कल थोड़ी बूंदाबांदी और हवा के रुख से आग पर काबू पाने में मदद मिली। इस जगह हाल हाल तक एक भरा पूरा मोहल्ला बसा था, लोग रहते थे, बच्चे खेलते थे, लेकिन फिर जंगलों से आग यहां तक पहुंची जिसने सब जला डाला। लपटें इतनी तेज थीं कि रेलिंग और खंभे तक पिघल गए। अधिकारियों ने यहाँ के निवासियों से कहा है कि अभी यहाँ लौटना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि फोर्ट मैकमरे शहर का 90% हिस्सा बच गया है। कोई 2400 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, मगर हमने लगभग 25,000 इमारतों को बचा भी लिया है, जिनमें अस्पताल, म्यूनिसिपल बिल्डिंग और सारे स्कूल शामिल हैं। लेकिन वापस लौटने का इंतजार करते शहर के लोगों के लिए इन खौफनाक तस्वीरों को भुलाना आसान नहीं होगा। अल्बर्टा सरकार ने कहा है कि वो शहर के पुनर्निर्माण के लिए 2 हफ्ते के भीतर एक योजना तैयार करेगी। और अब एक नजर BBC शॉट्स पर। ये रंगीन नजारा है उत्तर कोरिया की सड़कों का, जहां हजारों की तादाद में लाल फूल और झंडे लिए लोग देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं। दरअसल दशकों बाद सत्तारूढ़ी वर्कर्स पार्टी का सम्मेलन खत्म हुआ और इसके जश्न में ये प्रदर्शन रखा गया। अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में आए इस भयंकर टोर्नेडो में 2 लोग मारे गए हैं। इस जबरदस्त तूफान ने घरों के परखच्चे उड़ा दिए और पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया। शहर में अधिकारियों ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। जॉर्ज बोगी ने अफगानिस्तान में एक विस्फोटक डिवाइस पर पांव रख अपनी टांगे और हाथ दोनों ही खो दिए थे, लेकिन अब वो इन्विक्टस खेलों में गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। इन खेलों का आयोजन युद्ध में जख्मी और अपाहिज हुए फौजियों के लिए किया गया है। दुनिया भर में करीब 20% पौधे विलुप्त हो सकते हैं क्योंकि उनको कई तरह के खतरे हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार पूरी दुनिया के पौधों की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। ये शोध ब्रिटेन के रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू ने की थी। ब्रिटेन के रॉयल बोटानिकल गार्डन ने दुनिया के 80 वैज्ञानिकों की मदद से करीब 4 लाख पेड़ पौधों की गणना की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन, बीमारियों और दूसरे पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली आक्रामक प्रजाति के पौधों के खतरे से धरती के 21% पेड़ों की नस्लें खत्म हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में आक्रामक पौधों की 5,000 प्रजातियों का पता लगाया है। अब हमें पता चल गया है कि एक आक्रामक पौधा कैसा होता है। इस जानकारी से उससे निपटने के नए तरीके ढूंढे जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी का 10% हिस्सा ऐसी नाजुक वनस्पतियों से घिरा है जिन पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पड़ेगा। ये वैश्विक आकलन अब हर साल किया जाएगा। इसके जरिए समय के साथ बदल रहे पौधों पर निगरानी रखी जाएगी। सोचिए आज के जमाने में जहां हम इलेक्ट्रिक कारों की बातें करते हैं, दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां कुछ लोगों ने कभी गाड़ी देखी भी नहीं है। जांजिबार टापू में स्थित टुम्बाटू की आबादी 20,000 है और यहाँ समुद्र के अलावा सिर्फ कच्ची सड़कें हैं। टुम्बाटू में ना तो पक्की सड़कें हैं और ना ही उन पर दौड़ती मोटर गाड़ियां। दुकानदार दुकानों पर माल ले जाने के लिए कूली करते हैं तो बुजुर्ग या बीमार को अस्पताल स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। यहाँ के कुछ निवासी कभी यहाँ से बाहर भी नहीं गए हैं। अगर यहाँ सड़कें बना दी जाएं तो गाड़ियाँ भी यहाँ आ जाएंगी। हम चाहते हैं कि टुम्बाटू में भी गाड़ियाँ हों। यहाँ की इकलौती सड़क टुम्बाटू के 3 हिस्सों को जोड़ती है। 20 साल से इस सड़क पर एक भी वाहन नहीं चला है। और भी कई अहम काम हैं जो किए जाने हैं। ऐसे में ये सवाल बेकार है कि यहाँ कारें क्यों नहीं। एक वक्त था जब टुम्बाटू में पानी तक नहीं था, ऐसे में हम कारों पर क्यों ध्यान दें। अधिकारियों का कहना है कि टुम्बाटू में विकास लाने की योजना है, लेकिन निवासियों को धीरज रखने की जरूरत है। दुनिया और भारत के पड़ोसी देशों की एक्सक्लूसिव और खास खबरों के साथ हम कल फिर इसी वक्त 9:20 पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए BBC दुनिया की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।